नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख व राष्ट्रीय नेता मायावती 19 अप्रैल को रीवा आ रही है, जहां वो लोगों को संबोधित करने सहित लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक पटेल के हक में वोट करने की अपील करेंगी। मायावती के आने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक पटेल ने पार्टी सुप्रीमो के रीवा आगमन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, उनके आने से कार्यकर्ता जोश में है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। गरीब, किसान, युवा सभी परेशान है और इसलिए इस बार जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। मीडिया को दिए बयान में बहुजन समाजवादी पार्टी के रीवा लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक पटेल ने और क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। तैयारियां हैं और अब जब मायावती जी का रीवा दौरा होने वाला है। देखिए, तैयारी जबरदस्त चल रही है और हमारी राष्ट्रीय नेता का आगमन 19 तारीख को होने वाला है, 19 अप्रैल को। तो निश्चित तौर पर ये काडर बेस्ड पार्टी है और आप लोग जानते हैं कि एक एक जो कार्यकर्ता है अपनी नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ पे भारी मात्रा में एकत्रित होने वाला है। क्षेत्र में जा रहे हैं, किन बड़े मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है? सबसे ज़्यादा आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो यूथ है, हमारे जो बहन बेटियाँ हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सबसे ज़्यादा न्याय की बात है। हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग भारी मात्रा में प्रताड़ित हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो निश्चित तौर पे वो लोग एक आशा भरी नज़रों से हमारी तरफ देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आएगी और उनका बेटा और सेवक अगर आता है तो निश्चित तौर पे हर वर्ग को लेकर के काम करेगा और सभी को न्याय और बंधुत्व की बात करके समाज में भागीदारी देने का काम करेगा। किसानों का मुद्दा कितना प्रासंगिक? किसानों का मुद्दा आप भी जानते हैं कि लगातार 13 महीने के लंबे अंतराल तक आंदोलन किसानों ने किया है अपने MSP कानूनी गारंटी के लिए। निश्चित तौर पे ये उनका हक और अधिकार भी बनता है कि रात दिन प्रकृति से मार करता है, किसान मारा जाता है, इसके बाद भी लगातार वो किसानों के लिए, देश का जो पेट पालता है, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा है। लंबे दौर तक लगातार 75-76 वर्ष की आज़ादी के बाद भी किसानों के लिए, हक के लिए कोई सरकार काम नहीं कर पा रही है। अगर मुझे मौका मिलता है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये मोटिव भी है कि हर वर्ग को साथ में लेकर, किसानों को, मजदूरों को साथ में लेकर के काम करना है, उनके न्याय और हक की बात करना है। तो अगर मुझे मौका मिलता है, रीवा की जनता जनार्दन मुझे चुनती है, तो जाहिर सी बात है कि मैं हर वर्ग को काम देने का प्रयास करूँगा। 10 साल से सांसद। देखिए, जनार्दन जी का कोई, अब ये एक लहर रही होगी 14 में, हमारे लोग गुमराह हो गए थे, पूरे देश की भोली वाली जनता को ठगने का लंबे चौड़े भाषण और जो योजनाएं की बात की गई थी उनमें हर तरीके से भाजपा सरकार पूरे तरीके से फेल रही है। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, 100 स्मार्ट शहरों की बात हो और हर व्यक्ति को घर देने की बात रही हो, हर तरीके से, पूरे तरीके से भाजपा सरकार इसमें फेल रही है और जिसका परिणाम है कि जनार्दन मिश्रा के खिलाफ पूरी जनता इस बार बगावत करने पे उतारू है।